गुरु जी प्रणाम प्रणाम बस एक दो ही अनुभूति बतानी है जी जब आपने कल शक्ति बात किया तो Uh, मुझे पीठ में जहाँ पे मेरा कुछ अटक रहा है वहाँ तक हीट फील हुई और दोनों हथेलियों में गर्मी महसूस हुई पीठ में कहां पर अटक रहा है हृदय चक्र जहाँ पे है एग्जैक्टली exactly. तो मूलाधार से वहाँ तक आपको क्या फील हो रहा है हीट फील हुई और बट जो जैसे कुछ बड़ा निवाला लेते हैं और अटक जाता है गले में ऐसी कंटिन्यूज मैं ड्राइव भी करती हूँ तो कभी कभार मेरा अवेयरनेस जाती है तो फील होता है समटाइम डीप स्लीप में भी होती हूँ तो बॉल की तरह कुछ जाता है और मैं एकदम से उठ के हाथ रख देती हूँ पता नहीं डर के मारे कहाँ पे हाथ पीछ, पीछे ये ऐसा कब से हो रहा है सिक्स मंथ मिनिमम और कान में आवाज कंटिन्यूस जब ध्यान करती हूँ कभी कभी रुई भी लगा देती हूँ कान भी बंद करती हूँ तो दोनों कानों में जो रात में जंगल में जाते हैं और जो पक्षी की या जो, जो अजीब सी आवाज होती है सन ना सनसनाहट की हाँ झींगर की रात में जब सनसनाहट डार्कनेस जैसे डार्कनेस और जंगल में जाते हैं तो शांत होता है जब तो वो आवाज कंटिन्यूज़ कान में बचती रहती है प्राणायाम कितना करती हैं दस मिनट भोजन आपका सात्विक है बहुत कम खाते हुए महत्वपूर्ण बात है कि आपके हृदय चक्र में यानी क्यों अटकता है कोई न कोई बात होगी और ज्यादातर ये होता है अवरोध आ कर्म से संबंधित होता है आ, नहीं अटकना नहीं चाहिए अथवा आप जब कठोर साधना करेंगे या तो ऊपर हो जाएगा एक बार हुआ था ऐसे बट मेरे को बहुत ही डर लग गया ऐसे फील आया कि मैं डेथ लाइक फीलिंग मैं एकदम से फील किया कि कुछ जा रहा है ऊपर बट डर के मारे जैसे डर गई तो एकदम से धीरे धीरे मैं पता भी चला कि बैठ गया कुछ नीचे डरने की क्यों क्या बात उस टाइम नहीं पता था बाबा जी चलो ठीक है कठोर अभ्यास करिए और इसको कहते हैं रुकावट होता है संस्कारों का रुकावट होता है तो और प्राणायाम पे ज्यादा ध्यान दें यानी शुद्धता पर ज्यादा थैंक यू प्रणाम गुरुजी। प्रणाम मुझे कल फर्स्ट डे से जब से यहाँ साधना शुरू हुई है तब से जब ध्यान लगता है तब ऐसे सिर पीछे चला जाता है फिर बहुत मुश्किल से उसको मैं ट्राई करती हूँ कि ठीक से हो जाए कल भी ऐसा हुआ था लेकिन आज जो हुआ वो पीछे बहुत पीछे गया फिर मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं ठीक से बैठूं फिर आगे अच्छा मैंने देखा नहीं ना, ना। फिर आगे भी गया फिर से पीछे गया फिर आगे मैंने बहुत कंट्रोल किया कि मैं अभी ठीक से ही बैठना है तब मुझे बहुत ही अलग फीलिंग हुई मैं उससे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ लेकिन और फिर सडनली मैं रोती हूँ बहुत रोती हूँ वो भी मुझे नहीं पता है कि क्योंकि ये सब पहली बार हुआ है मुझे कुछ समझ नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ आ, आपकी साधना की शुरुआत हो गई है प्राणों का दबाव भारी पड़ रहा होगा मतलब दबाव ज़्यादा होगा इसलिए ऐसी क्रिया हो रही है साधना करते रहिए कभी इंडिया आइए हाँ क्योंकि वो शक्ति पात करने की बात मैंने कही और ऐसे यानी साधिकाओं को मैं मूलाधार में मैं लड़की से शक्ति पात करवाता हूँ ठीक है प्रणाम थैंक्स फॉर वॉचिंग रिमेंबर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब